नाते सरकार, मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ। वाह वाह वाह, मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। मैं नाते सरकार पढ़ रहा हूँ, मेरा मुकद्दर सवर रहा है। लोगों, मेरे पास जुमा के दिन फोन आया 11:30 बजे, और वो फोन था कि मुफ्ती साहब मसला बताइए। मैंने पूछा कि ये मसला क्या है, तो कहा कि हमारा एक भतीजा है जो 2-2.5 साल से खाता पीता है। मेरी बात समझ रहे हैं, खाने पीने का मतलब भात रोटी नहीं, दारू पीता है, शराब पीता है, कोरेक्स के शीशी पीता है, और वो रात को कुछ बेसी चढ़ा के आ गया और बीवी से झगड़ा हुआ और उसने उसको 3 तलाक दे दिया है। मुफ्ती साहब, उसकी बीवी की उम्र 30 साल है, उसकी गोद में 2 बच्चा है, आप बताइए कि उस बीवी को पलटाने का रास्ता क्या हो। लोगों बताओ, क्या कीमत होगी एक गिलास शराब की, क्या कीमत होगी एक कोरेक्स के शीशी की, लेकिन अगर एक दारू की शीशी की वजह से 30 साल की बेटी की जिंदगी का सुहाग अगर उजड़ जाए, अगर 2-2 बच्चों के सर से माँ के साये को छीन लिया जाए, वो बाप जिसने 20 साल तक बेटी को पाल कर शादी की, अंदाजा करो कि उसके दिल को क्या चोट लगेगी जब उसको ये खबर मिलेगी कि मेरी बेटी को 3 तलाक हो गई। बोलो, ऐसे हालात जिस समाज में पैदा होंगे उस पर खुदा के कहर की आग बरसेगी कि नहीं बरसेगी। हालात हमने बिगाड़े, उसकी क्या हिम्मत है कि बिगाड़े। नबी ने फरमाया, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे अल्लाह तुम्हारे ऊपर हालात को डालेंगे। तुम छतरी ठीक होगी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत का खुद ब खुद इंतजाम करेगा। नौजवानों, आज 70% मुस्लिम जवान नशे की लत में मुबतला है, और 12-12 साल का बच्चा आज गोली खाता है। आज वो ऐसे ऐसे नशे के सामान लेता कि देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। आज मैं एक जगह बड़े जलसे के मौके पर मैदान की सफाई करवा रहा था, 2,500 से ज्यादा मुझे वो सिरिंज मिले जिस सिरिंज से मुस्लिम नौजवानों ने अपने बदन में नशा उतारने का काम किया था। लोगों, कौन है मेरा हाथ पकड़ेगा? आज सरकार पाबंदी लगाए, जिसके पास ईमान नहीं, और जिसके नबी ने आज से 1450 साल पहले उतरने वाले कुरान के जरिए हिदायत दी कि कोई शख्स अगर नशा करता है तो जैसे सुअर का पेशाब हराम, सुअर का खून हराम, सुअर का गोश्त हराम, वैसे एक मुसलमान के बेटे के लिए नशा भी हराम। लोगों, अगर तुम सुअर का पेशाब पी नहीं सकते, सुअर के खून को हलक से नीचे नहीं उतार सकते, लानत है मेरी जिंदगी पर कि शराब और नशा का कोई कतरा मेरे हलक से नीचे जाए। फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अगर नशा को अपने मुंह में लेता है तो जैसे उसका असर नीचे जाता, अल्लाह ईमान को सीने से छीन लेता है। और फरमाया कि अगर नशा की आदत के साथ किसी की मौत हो गई तो कभी वो अल्लाह की जन्नत का चेहरा भी नहीं देख सकेगा। लोगों बताओ, मुसलमान हो, नौजवान हो, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बोलो इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल कर समाज में नशे की लानत को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। बचा लो इन बेटियों की जिंदगी को। आज 70% तलाक सिर्फ नशा की वजह से हो रही है, और ये तलाक की बीमारी ऐसी छाई है कि आज 60-60 साल की औरतों की जिंदगी तलाक की आग में जलकर तबाह हो रही है। लोगों, अब दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। इस जमीन को गुनाह से पाक करना, इस जमीन पर इंसानियत को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है, जिसके सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। बोलो इंशाअल्लाह हम लोग मोहब्बत के साथ इस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्लास्टिक का डब्बा मोबाइल है, बोलो ये भी खतरनाक है, खतरनाक, और इतना खतरनाक मैं कहता हूं ये आग है। आग, आग का अगर सही इस्तेमाल करोगे खाना बन जाएगा, सही इस्तेमाल करोगे बदन को गर्मी मिलेगी, जरा सी चूक हो जाए तुम्हारा घर जल के राख हो जाएगा। लोगों, आज 90% जिनाकारी इस मोबाइल के फितने की वजह से हो रही,
आज बाप घर से निकलता उसकी बेटी के साथ बदकारी होती, आज भाई घर से निकलता उसके बहन के साथ बदकारी होती। नौजवानों, आपके सीने में जो ला इलाह लिखा है वो खुदा की अमानत है। आज 8-8 घंटे बैठकर मेरा भाई सड़क के किनारे मोबाइल के स्क्रीन से अपनी आंख को सेकता है, आज दूसरों की बहू बेटी से बातें करके जिनाकारी और बदकारी को रिवाज देता है, आज वो कान में वायर ठूस कर गंदे गाने सुनकर 24 घंटे अपने दिमाग को नापाक और गंदगियों से आलूदा करता है। लोगों, क्या ये आपकी शान है? क्या ये आपकी पहचान है? लोगों, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आँख की रोशनी अल्लाह की अमानत है, जबान की बोली अल्लाह की अमानत है। खुदा ना खास्ता अगर कोई छीन ले, दुनिया के सारी चौखट पर जाओगे, कहीं ये रोशनी वापस नहीं आ सकती। मैं झारखंड के दौरे पर था, एक मदरसे के मोहतमिम जिनको अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, बड़ी इज्जत दी है, लेकिन आँख में रोशनी नहीं दी है। मजलिस में नात पाक पढ़ी गई, जैसा कि हमारे शायर साहब पढ़ते हैं, उन्होंने मदीने का जिक्र सुना तो उनके आंख से टप टप आंसू बहने लगा। मजलिस खत्म हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा मुफ्ती साहब, आप लोग सफर में रहते हैं, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए इतनी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझसे सारी दौलत छीन ले, जो भी इज्जत कुर्सी दिया है सब छीन ले, लेकिन अल्लाह एक घंटे के लिए मेरे आंख में मेरी रोशनी को वापस कर दे, मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक घंटे के लिए अपनी आंख में रोशनी चाहता हूं। लोगों, ये रोशनी कितनी कीमती नेमत है, ये बोली कितनी कीमती नेमत, क्या इसको तुम नापाक करते हो? क्या इस पर तुम धब्बा लगा के अपने ईमान को तुम फरोख्त करते हो? नौजवानों, जवानी की शान को बढ़ाओ, अपने एहतराम को बढ़ाओ, कुव्वत ईमानी को जगाओ, और ये तय करो कि ये हाथ इज्जत के लूटने के लिए नहीं, इज्जत के हिफाजत करने के लिए, ये जबान समाज में बदकारी को फैलाने के लिए नहीं, बदकारी को रोकने के लिए है। अल्लाह के नबी ताइफ फतह करके खड़े हैं और एक नौजवान आपकी खिदमत में जाता है और कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। नबी ने तन्हाई में उससे मुलाकात की, पूछा क्या बात है? कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं सारा नेक काम कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे गुनाह की इजाजत मांगता हूं। नबी ने फरमाया, कौन सा गुनाह? कहा, मुझे बदकारी की आदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप गए, आपने कहा कि तुम मुझसे बदकारी की आदत मांगते हो, ये नहीं हो सकता। नबी ने कहा कि मेरे नजदीक आओ। जब वो नजदीक आया, आपने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, कहा कि बेटा, हम तुमसे एक सवाल करते हैं, उसका तुम जवाब दो, अगर दिल मुतमईन नहीं होगा तो हम आगे सोचेंगे। कहा कि क्या सवाल है? कहा कि बताओ, एक औरत अगर तुम्हारे सामने आए जो सर से लेकर पैर तक पर्दे में हो और तुम उसकी इज्जत को लूटना चाहो, लेकिन चेहरा खोले तो वो तुम्हारी माँ हो, तो बोलो तुम्हारे दिल की आवाज क्या होगी? वो नौजवान तड़प गया, कहा अल्लाह के पैगंबर, अपनी माँ के साथ कौन मुंह काला कर सकता? कहा अगर वो तेरी बेटी हो, कहा उसके साथ भी हिम्मत नहीं कर सकता? कहा अगर तेरी बहन हो, कहा उसके साथ में जुरत नहीं कर सकता? कहा अगर कोई तेरे माँ के इज्जत पे हाथ डाले तो बोलो तेरे दिल को कैसी चोट लगेगी? वो तड़प गया, कहा कि नबी, मैं उस इंसान की गर्दन तोड़ दूंगा। नबी ने फरमाया, दुनिया में जिस किसी औरत की तुम इज्जत लूटोगे, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी, और जो अपनी माँ और बहन का दर्द तेरे सीने में है, बोलो उसके बाप और भाई के सीने में वही दर्द होगा कि नहीं होगा? वो नौजवान तड़प गया, नबी के कदमों पे गिरा, तौबा किया, कहा कि पैगंबर, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी मैं इस गुनाह में मुब्तला नहीं हो सकता। नौजवानों, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी दी है, तय करो कि ऐसी बीमारियां और गंदगियां जो समाज में सरेआम बढ़ रही है, इंशाअल्लाह अपने ईमान की ताकत से उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह बीमारियों को हम लोग दूर करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इसके लिए हम तैयार हैं? जी तैयार हैं।